कर्नल अजय सीओ अजय एस्ट्रोमनी ग्रुप फर्स्ट ग्लोबल एस्ट्रो फाइनेंस डिजिटल टैलेंट से आपसे मुखातिब होता हूँ। आज 22 अगस्त 2023 खबर निकल के आ रही है कि उड़ीसा राज्य में अरहर की दालों में शानदार उछाल देखा जा रहा है और कुछ व्यापारियों का कहना है ये खुदरा गुटबंदी यानी आपस में गुट बनाकर ये तेजी की जा रही है। जानिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। दोस्तों एक महत्वपूर्ण अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में एक खबर छपी है, उसके मुताबिक उड़ीसा में अरहर के दामों में शानदार तेजी दर्ज हो रही है। केंद्र सरकार द्वारा अक्टूबर तक अरहर व उड़द के स्टॉक पर सीमा लगाने के 2 जून को एक आदेश निकला था, उसके बाद भी दालों में तेजी रुक नहीं रही है। एक सबसे लोकप्रिय दालों में से एक अरहर एक सप्ताह पहले 130 से 140 रुपए प्रति किलोग्राम बिक रही थी और दालों की खुदरा कीमतों में 155 से 160 रुपए प्रति किलोग्राम बताई जा रही है। एक हफ्ते के अंदर दाल के थोक कीमतों में 1000 रुपए प्रति क्विंटल से ज़्यादा बढ़त दर्ज हुई है और अरहर की दालों में कीमतों में अचानक उछाल को ये को उड़ीसा के व्यवसाय को ये कहना है कि ये कॉरपोरेट घराने और बड़ी श्रृंखला के खुदरा विक्रेता के कार्टिलाइजेशन के माध्यम से ये जमाखोरी का परिणाम है। उड़ीसा में सभी प्रकार की दालों की वार्षिक आवश्यकता लगभग 9.5 लाख क्विंटल है और उड़ीसा में दालों का उत्पादन कुल खपत का केवल 20% ही होता है, जबकि 80% उड़ीसा में दूसरे राज्यों से दालों का और सप्लाई होती है। उड़ीसा के व्यापारियों की भूमिका बहुत सीमित है क्योंकि अब कुछ स्रोत बाजारों की कीमतों पर ही निर्भर करता है, उड़ीसा के व्यापारियों का ये कहना है। गौरतलब है अरहर दाल की कीमतों में अभूतपूर्व वृद्धि का असर अन्य दालों पर पड़ता है और व्यापारियों का कहना है कि बड़ी रिटेल श्रृंखलाएं किसी भी नियामक तंत्र के अभाव में खाद्यान्न की कीमतों को नियंत्रित करती है। यह देश भर के छोटे और खुदरा व्यापारियों को परेशान करने के लिए बड़े कॉरपोरेट घरानों द्वारा एक सुनियोजित मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। किसी वस्तु की कीमत में अचानक उछाल और उसके बाद तेजी से गिरावट छोटे और मझोले व्यापारियों को मार डालती है। अगर कीमत अचानक गिर जाती है तो वो ऊंची लागत पर खरीदी गई वस्तुओं का कीमत वसूल नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन ने उपभोक्ताओं की कीमतों के झटके से बचाने के लिए सभी खाद्य वस्तुओं की कीमतों को विनियमित करने तथा एक कानून के तहत लाने के लिए केंद्र सरकार को एक मसौदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा यह मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है क्योंकि सरकार चुनाव से पहले बड़े कॉरपोरेट्स और आयातकों को नाराज नहीं करना चाहती है, ऐसा कुछ व्यापारियों का कहना है। दोस्तों मूंग चना मसूर मटर जैसी दालों की कीमतों में मामूली वृद्धि देखी गई, लेकिन चिंता की बात यह है कि चावल गेहूं और उसकी के अंदर शानदार तेजी है। सब्जियों के दाम पहले बहुत जो तेज चल रहे थे अब गिरने लगे हैं, खासकर टमाटर के। वहीं प्याज पिछले कुछ दिनों में 25 से 30 रुपए किलो बिक रहा था, अब वो 35 रुपए किलो बिक रहा है, लेकिन टमाटर के भावों में लगातार गिरावट दर्ज हो रही है। खासकर प्याज के लिए भी सरकार ने जो 40% की ड्यूटी लगाने का ऐलान किया है, इससे महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के किसान भी नाराज बताए जा रहे हैं। गौरतलब है कि लोगों का ये भी कहना है कि विधानसभा चुनाव 2024 में कुछ राज्यों में होने वाले हैं, साथ साथ लोकसभा के इलेक्शन अगले साल होंगे। इन सब को देखते हुए सरकार हर संभव पर महंगाई खासकर खाद्य वस्तु की महंगाई पर नियंत्रण करेगी। दोस्तों ये तो सर्वविदित है कि सभी सरकारें ऐसे करती हैं क्योंकि उन्हें अपनी राजनीतिक लक्ष्य हासिल करने होते हैं, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण बात अवश्य है कि इस बार दालों के दाम बढ़ने में एक तो उत्पादन की कमी शॉर्टेज भी एक अहम भूमिका निभा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी दालों के दाम अधिक होने से इसके ऊपर असर पड़ रहा है। अब महत्वपूर्ण ये रहेगा क्योंकि आवश्यकता से कम पैदावार और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में बढ़ते दाम ये किसी भी खाद्य वस्तुओं को या को नियंत्रित करने के लिए सरकार के बहुत अधिक प्रयास सफल कई बार नहीं हो पाते हैं। दोस्तों अजय एस्ट्रो मनी गुरु देश का पहला चैनल है जो 42 कमोडिटीज 5 मार्केट पर लगातार अपडेट और विश्लेषण आप तक प्रस्तुत करता है।
दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप हमारा ये शो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो अवश्य करिएगा, साथ साथ यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, बेल आइकन को जरूर पुश कीजिएगा। दोस्तों, हम वर्तमान ही नहीं भविष्य का भी करते हैं सटीक आकलन। हमने आपको पिछले 3 महीने से लगातार अपडेट दिए हैं, चना व दलहन के अंदर तेजी की संभावनाओं से इनकार नहीं किया, साथ साथ ये भी कहा था इसके अंदर तेजी की संभावना बन रही है। देखिए, पिछले 3 महीने के अंदर यदि आप देखें, यदि 1 महीने का भी लेखा जोखा देखें तो चने में लगभग 18% से अधिक तेजी, काबुली चने में लगभग 10% से अधिक की तेजी, साथ साथ उड़द तुअर में भी शानदार तेजी दर्ज हुई है। यदि आप मिलर्स हैं या स्टॉकिस्ट हैं या फिर होलसेलर्स हैं तो हमारी विशेष रिसर्च रिपोर्ट के लिए आप संपर्क कर सकते हैं, जो भुगतान करने पर उपलब्ध हो सकती है। नंबर स्क्रीन पर दिए गए हैं, आज ही संपर्क करें। ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, हैप्पी ट्रेडिंग।